हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हों। सहरसा के से 20 किलोमीटर दूर बलवा पुला पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं वो नेपाल के तरफ से जो पानी छोड़ा गया था वो इसी नदी से होके आती है। इस नदी का नाम है कोसी रिवर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या भयावह मंजर है, कितना तेज़ पानी चल रहा है। लोग आई, हम लोग चलते हैं बाढ़ से पीड़ित गांव में, बाढ़ पीड़ित गांव में चलते हैं, वहां के लोगों का स्थिति जानते हैं कैसा है और सरकार से क्या कुछ मिला है या नहीं मिला है। चलो देखते हैं गाइज। ये देखो पानी का रफ्तार यहां से पता चल रहा है, ये देखो। ओ यार, ये आज हकीकत में देख रहा हूं मैं, पहले ये फिल्मों में देखा करता था। ये देखो भाई कितना बड़ा भवर बन रहा है। देखो यार यहाँ पे लोगों का भी मेला लगा हुआ है देखने के लिए। ये बलवा पुला तो दोस्तों मैं पहुंच चुका था नवहट्टा। नवहट्टा जहाँ की पूरा एरिया बाढ़ से पीड़ित था, और वहां पे जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा मंजर दिखा जिससे मेरा भी दिल दहल गया। जिन लोगों के भी घर कोसी नदी के चपेट में आया तो सारा घर ढह गया, उजर गया, और सभी लोग बांध पे आके खड़े थे, एक आशा लगाए रखे थे कि कोई। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ का क्या भयावह मंजर है, सभी लोग अपना अपना घर छोड़ के रोड पे आ चुके हैं बांध पे, और धीरे धीरे जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे। और ये देखो दोस्तों, जिन लोगों के घर में भी कुछ सामान सब बचा हुआ था जो कि पानी के अंदर नहीं भीगा था या और भीगने ही वाला था, वो उस सामान को बाहर ले आते हैं नाव से या जैसे भी जिस जो साधन मिलता है उसी से वो लोग अपने अपने सामान को ले आते हैं बांध के ऊपर, एक बचने का आस लगा के वो बांध पे आ जाते हैं। अब पता नहीं ये बांध पे पानी कब चढ़ जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप ये देख रहे हो पानी बांध के पूरे करीब आ गया, बांध के बराबर में पूरा कोसी नदी का पानी है, और लोगों का तो वहाँ पे गैज बांध इतना कमज़ोर है कि कहीं भी ढह जाता है, कहीं भी उसका वो मिट्टी ढहने लगता है, उसको प्रशासन द्वारा बोरा में मिट्टी भरवा के उसको कवर अप करवाया जाता है, पब्लिक के द्वारा उसको ढका जाता है, फिर से बांध को थोड़ा सा मजबूत किया जाता है। और ये देखो गैज क्या कितना ज़्यादा पानी है, और यहाँ पे सहरसा प्रशासन के तरफ से बहुत सारे वो जो है फोर्स का भी वहाँ पे तैनाती किया गया है, वहाँ पे हमेशा वहाँ पे पैड़ा देते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। दोस्तों जो लोग भी घर में अभी भी फंसे हुए थे उनको एक लाइफ बोट के द्वारा बाहर निकाला जा रहा था और बांध पे सुरक्षित उसको लाया जा रहा था, और पता नहीं इसके लिए कोई पब्लिक वहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्यों नहीं बोल रहा था ये तो मुझे पता नहीं, और माइक देखते ही सब भाग जा रहा था, इसलिए मैं कुछ किसी से पूछा नहीं, कोई बोलना ही नहीं चाहता था वहाँ पे। तो जय हिंद दोस्तों।